क्वेश्चन है द लार्जर सर्कल हैज़ द रेडियस 14 सेंटीमीटर विद ओ एज इट्स सेंटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है और इसका सेंटर ओ है। देन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन विल बी। तो हम लोगों को फाइंड करना है, पता करना है कि ये जो शेडेड रीजन है, रेड पार्ट से शेडेड जो रीजन है, इसका एरिया क्या होगा, ये हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये क्वेश्चन 10th क्लास में पूछा जाता है या फिर 10th लेवल पे जो भी इंट्रेंस या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस हम लोगों को दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो ये छोटा जो सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने का जो मेन रीज़न है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सेंटर है वो इस सेंटर से और ये जो पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो जब हम सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ देते हैं तो छोटा वाला सर्कल के लिए ये लाइन डायमीटर हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते तो ये डायमीटर नहीं होता, या यहाँ से मिला देते तो डायमीटर नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग सेंटर से मिलाते हैं इस पॉइंट को, जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट को और सेंटर को मिलाते हैं, तो ये लाइन छोटा वाला सर्कल के लिए डायमीटर हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस बराबर होता है, रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बाई 2, यानी डायमीटर का आधा। तो बड़े वाला सर्कल के लिए जो रेडियस है छोटे वाला सर्कल के लिए ये डायमीटर हो जाएगा। तो फिर छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी 7। ठीक है, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस हम लोगों को पता हो गया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग आसानी से इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसके एरिया को फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स, बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, इसके लिए कैपिटल आर यूज़ करते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, इसके लिए छोटा आर यूज़ करते हैं रेडियस को दिखाने के लिए, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया है 22/7 लेना है, तो 22/7 इंटू आर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर, इसलिए 14 स्क्वायर, और माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस हम लोग 7 लाए थे ना, ये 7 स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 7 स्क्वायर यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22/7 इंटू 196 में से 49 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 147 बचता है, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स में, और 22 इंटू 21 करेंगे तो 462 आएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो रेड कलर से शेडेड रीजन है इसका एरिया हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।